गीता के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। अब आते हैं अगला स्कूल जो है वो है दिल्ली पब्लिक स्कूल। दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चे तैयार हैं। ऐसे में प्रथम पुरस्कार जो हमने पाया है वंशिका बैरवलिया। वंशिका आप स्टेज पे हैं। मिथिला में पाहन का स्वागत ऐसे होता है, है? असली चीज तो है ही नहीं मिथिला का। वंशिका के लिए एक बार ये तो अंग्रेजी स्वागत स्वागत होना चाहिए। द्वितीय स्थान जो प्राप्त किए हैं वो है साक्षी मिश्रा। साक्षी वो आम लोगों से अच्छा से व्यवहार करे, ये सारे बिंदुओं पर मैं आप इसलिए चर्चा करता हूँ, जो कभी कभी मुझे शिकायत मिलता है जो स्टेशन पर कुछ तंग तबाही भी होती है, तो हमारे स्टेशन मास्टर हमसे परिचित हैं, मैं इन्हें भी कहूँगा सतपाल जी साहब को, जो स्टेशन आपका बढ़िया रहे। स्टेशन पर भगवती की मंदिर है, वहाँ हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बराबर आते हैं, तो स्टेशन साफ सफाई है, मैंने देखा है, पहले से बिस्तर भी हुआ है, तो जयनगर के लोगों को लगे कहीं जाने के बाद जो मेरा भी स्टेशन बहुत अच्छा है, अपने आप को गौरव महसूस करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम पदाधिकारियों का भी इस जयनगर की धरती पर अभिनंदन करता हूँ। रेलवे की है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। भारत तीन नंबर ढाला का ये रेलवे से विचार करेगी और मुझे उम्मीद है इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाए। हाँ, 12 मीटर चौड़ी जो FOB बननी है उसका भी काम शुरुआत किया जाएगा। धन्यवाद। बैठे हुए हों तो दिक्कत ना हो। एक बार मैं फिर से आग्रह करूंगा उन सारे दर्शकों गण से, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं आज के कल्चरल इवेंट में वो जाएंगे नहीं, कार्यक्रम के अंत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने के बाद उन सभी को प्रशस्ति पत्र के रूप में स्टेज पे बुलाया जाएगा, तो वो सभी हम सभी का मार्गदर्शन करें। नमस्कार। देश के रेल मंत्री